राम भाई अपने सब संभालियों और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें, आज संत रविदास जयंती पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास श्रद्धापूर्वक मनाई गई। हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी संत रविदास जयंती बड़ी श्रद्धा के साथ निकाली गई, जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा के अंदर लेकर चलेंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया है संत रविदास जयंती, और जो यहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसके अंदर उन्होंने हवन पूजन में भी भाग लिया तथा इस दौरान उन्होंने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उन्होंने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील चांसठ के अंदर देख सकते हैं आप वो नज़ारा है। यहाँ पर भी भव्य झांकियाँ निकाली गई थी राधा कृष्ण बनी हुए कलाकारों ने, और संत रविदास के उपदेशों को भी यहाँ पर सार्थक किया गया, उनके माल्यार्पण किया गया उनके चित्रों को, और पूरे जनपद मुजफ्फरनगर के साथ साथ निकटवर्ती ग्राम तेहात तथा कस्बों के अंदर संत रविदास जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के उसके साथ आज संपन्न हुई है, मनाई गई है। देख सकते हो तस्वीरें जानसठ का ये नज़ारा है, जहाँ पर भी आज भारी पुलिस बल सुरक्षा के साथ इसका समापन हो गया है और शांतिपूर्ण निकली है संत रविदास जयंती। देख सकते हैं किस प्रकार रथ यात्रा, शोभा यात्रा, बैंड बाजों के साथ मुख्य मार्गों से गुजरकर संपन्न हुई है आज देर रात्रि संत रविदास जयंती। देख सकते हैं उसकी एक झलक। चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सभी मंत्रीगण इसको कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जगमगाने की कवायद है, पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा है, और देख सकते हैं आज नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी अपनी टीम के साथ 5KD से लेकर ऐतिहासिक जो इमामबाड़ा है वहाँ पर पहुँचे, निरीक्षण किया। यहाँ पर लाइटों की चाक चौबंद प्रबंध उन्होंने कराया है, हिदायत दी है। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर टेरिकोटा तथा टाइल से सजाया गया है। सुंदरता देखते ही बननी शुरू हो गई है, और जब पूरे देश विदेश प्रदेश के यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे तो उन्हें लगेगा कि उत्तर प्रदेश कि राजधानी लखनऊ कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, ऐसा भी संदेश खास तौर से दिया जाएगा। ग्लोबल यूपी इन्वेस्टर समिट को सक्सेस बनाने के लिए तथा G20 के बैठक को भी यादगार बनाने के लिए पूरी कवायद हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समीक्षा कर रहे हैं, और सभी मंत्रीगण लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इसको यादगार बनाने के लिए, पूरे देश के अंदर इसका नाम रोशन करने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं, और लगातार कार्रवाई चल रही है। देख सकते हैं वो नज़ारा, बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन 12 लखनऊ मुजफ्फरनगर।